साथ पाकिस्तान में एमपीए माननीय मंगला शर्मा जी, ये भी इस मीटिंग में ज्वाइन हो चुकी है, उनका भी मैं तहे दिल से वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मंगला मैडम आपका इस प्रोग्राम में। मैं आदरणीय मंगला शर्मा जी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना माइक और वीडियो ऑन करके अपना जो मनोगत है वो व्यक्त कीजिए। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका, और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपके बिजी शेड्यूल में आप मीटिंग में आपने ज्वाइन किया। और नमस्कार। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे और एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, इनका 131st बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड, और इस अवसर पर आप आई, आपने आपका कीमती समय निकाला और आपने ज्वाइन किया। तो सबसे पहले मैं पूरी स्वप्न स्टडीज फैमिली और पूरे महाराष्ट्र की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपका मनोगत व्यक्त करें, प्लीज मैडम। बिल्कुल, स्टार्ट में मैं ही शुरू कर दूं। यस मैडम। अच्छा, जहां तक बाबा साहब की बात है तो आप लोग जो ये 131 इनकी बर्थ एनिवर्सरी को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेरी ओर से और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम हिंदुओं की ओर से आपको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, और परमात्मा आपको इतना मौका दे कि आप इस तरह के जो हमारे हीरोज हैं, जो सिर्फ एक किसी मुल्क के हीरो नहीं है बल्कि वो इंसानियत के हीरो हैं, उन लोगों को आप उनको सेलिब्रेट करने का आपको आवश्यकता और शक्ति दें। सबसे पहले मैं ये बात कहूँगी। दूसरी बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो मैंने थोड़ी बहुत बायोग्राफी पढ़ी है और मैं समझती हूँ कि उन्होंने काम बड़े सगीर के उन लोगों के लिए किया जिनके लिए आज से पहले कोई बात नहीं की जाती थी, और उसकी वजह से उन्होंने जो काम किया वो ना सिर्फ उसको माना गया, और आज ना सिर्फ हिंदुस्तान में या दुनिया के दूसरे ममालिक में, इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी बाबा साहब के जन्मदिन को इसी तरह मनाया जाता है। 14 अप्रैल को कराची में यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम में मैं भी गई थी, और ये गवर्नमेंट की सतह पर बाकायदा जो गवर्नमेंट की कमेटी है हिंदू मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी, उन्होंने ये प्रोग्राम को बहुत बड़े हॉल में सेलिब्रेट किया, और ना सिर्फ वहाँ के सिर्फ हिंदू और नॉन मुस्लिम और माइनॉरिटी के लोग आए थे, मेजॉरिटी के लोग भी वहां पर थे, और उन्होंने भी बाबा साहब की जो खिदमत है उनको सराहा। तो ये बात तो है कि अगर काम अच्छा किया जाता है, इंसानियत के लिए काम करें, तो उसके लिए किसी सरहद की, किसी सीमा की, किसी मुल्क की जरूरत नहीं है, और आपको वहां से अप्रिसिएशन मिलती है। पाकिस्तान में रहने, क्योंकि कहा यह जाता है कि वैसे बाबा साहब ने बहुत जो काम किया दलितों के लिए किया, जिसको हम पाकिस्तान में दलित वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। पाकिस्तान जब से बना है तब से यहाँ पर गो के वो कम्युनिटीज यहाँ पर आबाद हैं, और बहुत बड़ी तादाद में आबाद हैं, जो जिसको हम अंडर प्रिविलेज कह सकते हैं, क्योंकि अगर एक बीइंग अ माइनॉरिटी भी अगर अंडर प्रिविलेज है, लेकिन वो कम्युनिटी बहुत ज्यादा वल्नरेबल भी है और अंडर प्रिविलेज है, लेकिन उनको कभी भी दलित नहीं कहा गया। और यहाँ पर ये रहा कि उन्होंने पाकिस्तान में जितने लोग थे इससे पहले 98 तक बाकायदा शेड्यूल कास्ट के नाम से, कॉन्स्टिट्यूशन में उनका नाम था शेड्यूल कास्ट, लेकिन उसके बाद 2000 में ये बात आई कि अगर हम शेड्यूल कास्ट भी कहते हैं तो वो एक तरह की डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है अदर कम्युनिटी से। 2002 के बाद जब हमारा ज्वाइंट इलेक्ट्रॉल आया तो उसमें आके हमने इसको लफ्ज माइनॉरिटी कहा, और माइनॉरिटीज में चाहे वो किसी भी शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक रखता हो या अपर क्लास से ताल्लुक रखता हो, ये तमाम लोगों को हमने एक मेन एक्सट्रीम में माइनॉरिटी के वर्ल्ड के अंदर लेकर आ गए। तो यहाँ तक तो ये है कि पाकिस्तान में इस चीज का बहुत है, लेकिन खासतौर पर जो बाबा साहब ने काम किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर रहे, उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में जोगिंद्रनाथ मंडल लॉ मिनिस्टर रहे यहाँ पर। तो ये चीज तो ये करती है कि हम लोग जो हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ माइनॉरिटीज ने बड़ा काम किया था।
लेकिन जिस तरह से एक ये मैं समझती हूँ कि जो अनटचेबल्स और दलित और ये जो टर्मिनोलॉजी है वो शायद हमारा धर्म तो नहीं बताता, लेकिन ये हमारी सोसाइटी की क्रिएट की हुई थी। सोसाइटी में ये चीज हम हमारा ये मानना है कि सोसाइटी में ही हमने ऊपर नीचे ये कर दी है और हम उसको कहते हैं कि ये हमसे कम है, ये हम ज्यादा है। लेकिन मैं सिर्फ उसके मैं कहूंगी कि बाबा साहब ने जिस तरह से मेहनत की लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हीं की वजह से आज यहाँ पर पाकिस्तान में या कहीं भी किसी भी मुल्क में अगर इस तरह के शेड्यूल कास्ट बसते हैं या रहते हैं तो उनको कभी अनटचेबल नहीं कहा जाता, उनसे वो ताल्लुक वो सलूक नहीं किया जाता जो पहले किया जाता था। तो ये एक उनकी बहुत बड़ी फतह है और यही चीज है, इसी उसको हमें लेके आगे चल रहे हैं। अगर हमें अपने मुल्क को अपने सोसाइटी को खास तौर पर सोसाइटी चाहे वो किसी भी मुल्क में अगर हम समझते हैं कि हमें बहुत आगे लेके जाना है तो हमें तमाम सेगमेंट्स को सोसाइटी के जो है उनको साथ लेके चलना होगा और वो लोग जो अंडर प्रिविलेज हैं उनको हमें एक्स्ट्रा वो देना होगा। अगर मैं आपको बात करूँ यहाँ से पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में इस वक्त इन लोगों के लिए ओवरऑल माइनॉरिटीज के लिए जो चीजें हैं, जाहिर है बहुत सारी चीजें कुछ मीडिया पर रिपोर्ट होती हैं लेकिन जरूरी नहीं होता कि वो चीजें सही हो, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बहुत सी चीजें इंडिया से भी रिपोर्ट हो रही होती हैं और मैं समझती हूँ कि वो भी चीजें जो है वो जरूरी नहीं है कि जिस तरह से उसको मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है किसी भी मुल्क का तो ऐसा हो। बहुत सी क्योंकि पॉजिटिव चीजें भी हो रही होती हैं, नेगेटिव भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों तरफ का मीडिया नेगेटिव चीजों को ज्यादा दिखाता है। तो चीजें हो रही होती है हर मुल्क, लेकिन यहाँ पर अगर मैं मंगला शर्मा ब्राह्मण कम्युनिटी से वहां असेंबली में बैठती हूँ यहाँ पर, तो उसके साथ ही मेरे साथ कृष्णा कोहली भी बैठती है जो शेड्यूल कास्ट से है, खट्टूमल जीवन भी बैठता है जो मेघवाड़ कम्युनिटी से है। तो ये सारे लोग एक साथ हम बैठ रहे हैं, उनको मिल रहा है सिर्फ सिर्फ इसका एक क्राइटेरिया मैं ये समझती हूँ लॉयल्टी और मेहनत आपके, क्योंकि आपके सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप अपने जहां रहते हो अपने देश से आप सिंसियर हो, अपने लोगों से सिंसियर हो, अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो आपके लिए रास्ते निकलते चले जाते हैं। और इसके लिए प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल आती है क्योंकि हम हैं माइनॉरिटी में, छोटी मोटी चीजें होती हैं, जहां मेजोरिटी होती है माइनॉरिटी तो प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये देखना है कि उस प्रॉब्लम से हम कैसे निकल सकते हैं। और जब कभी हमें इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो मैं हमेशा बाबा साहब की लाइफ का को पढ़ती हूँ और उनसे मैं ये लेती हूँ सबक कि देखें अगर हमने आगे बढ़ना है, अपना नाम कहीं रखना है, तो हमें मेहनत करनी होगी और ये माइंड में रखना होगा कि जब हम कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो स्ट्रगल तो होगी, स्ट्रगल के बगैर हम ये काम कर नहीं सकते। तो ये है कि अगर स्ट्रगल हम करते हैं चीजें यहाँ पर, अभी अगर आप देखें पाकिस्तान की बात करें, इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में हमारे खास तौर पर हिंदू कम्युनिटी के बच्चे, जिसमें भील, मेघवाड़, कोली और भी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो शेड्यूल कास्ट है, वो ना सिर्फ सरकारी अहदों पर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पॉलिटिक्स, हर फील्ड में वो अपना लोहा मनवा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और उसको वो अवेल कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि बाबा साहब ने ये एक ऐसी राह दे दी है हमको और हमारे पास आने वाले लोगों को, क्योंकि ये काश ये ऊंच नीच चीजें तो चलती हैं, चाहे वो हम अपने लिए बात करें, किसी और रिलीजन में बात करें, हर जगह चीजें। अगर हम यहाँ बात करते हैं दलित की या शेड्यूल कास्ट की, तो अगर हम यूरोप में चले जाए तो वहां भी रेसिज्म है, ब्लैक एंड व्हाइट की वहां भी डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमने किस तरह से जिस में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उसमें हम आगे बढ़े और आगे बढ़ के हम अपना किरदार अदा करें। और बाबा साहब ने ये क्लियर बता दिया है कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, पॉसिबल भी इम्पॉसिबल के अंदर से निकलता है और यही चीज उन्होंने बताई और हमें आगे लेकर उसको चलना चाहिए। और जिस तरह से ये तमाम लोग आप लोग ये इसको जन्मोत्सव मना रहे हैं, एक मरतबा फिर मैं शुभकामनाएं भी दूंगी और इस तरह की ये मोटिवेशन होती रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में खास तौर पर मैं विशाल आनंद को जानती हूँ और विशाल आनंद बहुत एक्टिवली ये काम कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस दे रहे हैं,
तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं वो जाके कहीं बड़े उसमें काम आती हैं। और इस किस्म की जो यूथ है जो बाबा साहब की मैसेज को लेके चल रही है, तो हम देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये जो छोटी, हम ये भी नहीं सुनेंगे कि कौन दिल्लत कौन शेड्यूल कास्ट, क्योंकि तमाम इंसान एक साथ रहेंगे, उनके इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मंगला मैडम। और आपने बहुत खूबसूरती से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो मैसेज है उसको आपने रिप्रेजेंट किया। और सच में कुछ लीडर्स, सोशल लीडर्स ऐसे होते हैं, उनका जो मैसेज है वो अक्रॉस द बॉर्डर्स, मतलब उन्हें कोई बॉर्डर का कोई बंधन नहीं है, पूरे वर्ल्ड में उन्हें फॉलो किया जाता है। और आपने जिस प्रकार से आपने बताया कि आप आपकी पर्सनल लाइफ में किस प्रकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मैसेज फॉलो करती है, पाकिस्तान में किस प्रकार उनकी जो सिख उनके जो मैसेजेस है उनको कैसे फॉलो किया जाता है, और ये सुनकर मैं मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी, स्वप्न स्टडीज फैमिली के स्टूडेंट्स भी इस मीटिंग में है, और मैं मुझे विश्वास है कि ये स्टूडेंट्स भी एक अच्छा मैसेज आपके एड्रेस से वो लेंगे। और फिर से एक बार तहे दिल से आपका शुक्रिया कहना चाहूंगा। और जब मंगला शर्मा मैडम बात कर रही थी तो और कुछ मान्यवर हमारे इस मीटिंग में ज्वाइन हो चुके हैं। आज का जो प्रोग्राम है इसके जो जो प्रमुख वक्ता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्पीकर होने वाला है, डॉक्टर आलोक जतराडकर सर, ये ज्वाइन हो चुके हैं, उनके पास में आऊंगा। उनके साथ साथ पाकिस्तान से जो पाकिस्तान मराठी कम्युनिटी के जो एक्टिव लीडर है, एक्टिविस्ट है, श्री विशाल राजपूत जी, ये ज्वाइन हो चुके हैं। मैं सारे मान्यवरों को बताना चाहूंगा कि आदरणीय मंगला शर्मा जी ये पाकिस्तान से हमारे साथ कई कुछ देर से जुड़ी हुई थी और उन्होंने अपना मनोगत भी व्यक्त किया, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि मैडम का जो शेड्यूल है वो बहुत बिजी होता है। सो मैडम को अभी अगली मीटिंग के लिए मैडम को जाना है। सो मैडम ने ये मैसेज शेयर किया है कि वो पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी, मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगे जाते जाते? मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, प्लीज मैम। यस मैम, इस प्रोग्राम से जुड़े हुए जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड यहाँ पर मौजूद हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, मॉरिशस से, जिस तरह के मैंने देखा, तमाम लोगों को बाबा साहब की जयंती की बहुत शुभकामनाएं। पाकिस्तान के तमाम लोग इसी तरह बाबा साहब को फॉलो करते हैं जैसे इंडिया में लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको शायद हम ये नहीं देखते कि उन्होंने कहाँ पे काम किया, किसके लिए किया, हम ये देखते हैं कि उन्होंने किस तरह इंसानियत के लिए काम किया, बहुत पिसे हुए तबके के लिए काम किया, और ना सिर्फ यहाँ के लोग बल्कि गवर्नमेंट की सतह पर भी कहीं ना कहीं उनको अप्रिसिएशन भी दी जाती है, उनके प्रोग्राम्स किए जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलकर बात करके, लेकिन क्योंकि मेरी कुछ पार्टी इंगेजमेंट्स हैं इसलिए मुझे जाना है, और ये तो कि आइंदा भी हम इसी तरह जुड़े रहेंगे और आपके साथ इसी तरह मिलते रहते हैं। सबको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम, और मैं इस प्रोग्राम को अभी आगे लेना